अभी भी काफी सारे अंकल लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। यहाँ का क्या, पटना के हर एक पार्क का वही हाल होता है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू अगेन ऑन माय चैनल विथ अ न्यू वीडियो। तो अभी मैं एसके पुरी पार्क पटना में हूँ और आज एग्ज़ाम था पटना में। मेरा एग्ज़ाम नहीं था बल्कि मेरा एक दोस्त का एग्ज़ाम था, तो उसी के साथ आए हुए थे। तो वो तो अभी एग्ज़ाम दे रहा है, अपना गेट का एग्ज़ाम था उसका, तो वो एग्ज़ाम दे रहा है सेंटर में। तो मेरे पास तो फ्री टाइम था 2-3 घंटा का, तो सोचे चलते हैं घूम लेते कहीं पे। तो यहीं पे बगल में एसके पुरी पार्क था, तो यहीं पे आ गए घूमने के लिए। वैसे ये पार्क मेरे लिए नया नहीं है, जब हम पटना में रहते थे पहले तो उस टाइम पे डेली मॉर्निंग में आते थे यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए। जैसे कि देख सकते हैं ये भैया मेरे पीछे भी जा रहे हैं जॉगिंग करते हुए। तो हम भी एक टाइम पे थे जब आते थे यहाँ पे करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह। तो अभी काफ़ी दिन से अब बेगूसराय शिफ्ट हो गए हैं, तो बहुत दिन के बाद आए हैं ये पार्क दोबारा। तो काफ़ी कुछ बदल चुका है यहाँ पार्क में, और सड़क वगैरह सब कुछ न्यू लगता है बना हुआ है, क्योंकि पहले इतना हाइट का था नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा लोग का झूला लगा हुआ है, बच्चा एंजॉय कर रहा है क्योंकि आज सैटरडे भी है, तो बच्चा लोग के स्कूल में छुट्टी होगा, तो आई थिंक इसीलिए इतना ज़्यादा बच्चों का भीड़ है। वैसे स्कूल जाने वाला बच्चा तो लग नहीं रहा है सब, क्योंकि बहुत छोटा छोटा है। तो ये सब किड्स गार्डन का होगा बच्चा सब, और यहाँ पे ये झूला झूल रहा है बच्चा। एक टाइम पे हम यहाँ पे पुशअप मारते थे, क्योंकि यहाँ पे पुशअप मारने के लिए वो पुशअप बार है नहीं, इसीलिए झूला में मार लिया करते थे उस टाइम पे पुशअप। और काफ़ी पहले का तो दिन याद आ गया, क्योंकि उस टाइम आते थे यहाँ पे तो एक्सरसाइज वगैरह करते थे 2 घंटा, तो 2 घंटा नहीं 1.5 घंटा का टाइम डेली यहाँ पे स्पेंड करते थे सुबह सुबह। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत दिन के बाद आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटा सा जिम है जिसमें कि मॉर्निंग में 5 रुपया लगता है अगर गर्ल्स के लिए, अगर बॉयज़ के लिए तो 5 रुपया लगता है इसमें। बट हम लोग कभी कभी दोस्त सब के साथ घुस जाते थे ऐसे ही फ्री में बिना टिकट के। वैसे यहाँ पे मॉर्निंग में तो फ्री रहता है, उतना टिकट लगता नहीं है सुबह में, बट अब टिकट का 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद आई थिंक 5 रुपये या 10 रुपये का टिकट लगता है। जिस टाइम हम आते थे पहले स्टार्टिंग में, तो उस टाइम 5 रुपये का ही टिकट आता था, तो आई थिंक अभी कॉस्ट डबल हो चुका है क्योंकि महंगाई भी इतना बढ़ गया है। और यहाँ पे ग्राउंड है सारा इतना ओपन, इसमें एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ट प्लेस है ये, तो क्योंकि इतना खुला जगह है और हरियाली फूल वगैरह इतना सारा कुछ लगा हुआ है, देख सकते हैं ग्राउंड। और काफ़ी कलरफुल फ्लावर्स वगैरह भी लगा हुआ है बहुत सारा यहाँ पे, और सीटिंग बैठने के लिए भी बहुत सारा बेंच लगा हुआ है। और यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक चारों साइड से चेयर लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में भी क्विज वगैरह होते रहता है जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है, और यहाँ पे एक अंकल मेरे पीछे बैठे हुए हैं जो कि लगता है कहीं से ट्रेवल करके आए हुए हैं। तो उन लोगों के लिए, कोई भी लोग बाहर से आता है तो उनके लिए भी बहुत जगह अच्छा होता है ये स्टे करने के लिए, क्योंकि और यहाँ पे ग्राउंड में पानी डाला जा रहा है। और यहाँ पे बहुत ठंड के लिए तो बेस्ट जगह ही है, क्योंकि यहाँ पे धूप भी काफ़ी अच्छा आता है। और आगे थोड़ा सा एक छोटा सा पार्क है, उसमें भी मेडिटेशन करने के लिए लोग उस टाइम पे जब हम आते थे एक्सरसाइज करने के लिए, तो उस टाइम पे अंदर में जाके मेडिटेशन वगैरह करते थे, क्योंकि अंदर का वहाँ पे योगा टाइप का बना हुआ है कुछ,
तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर योगा ही करते थे। बाहर तो बड़ा है तो जॉगिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। और अभी काफ़ी समय हो चुका है तो एक्सरसाइज करने वाला उतना दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि 11 बजने को है और आउट टाइम है। एक्सरसाइज करने का तो टाइम है नहीं, बट फिर भी कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं एक्सरसाइज। और इधर भी ग्राउंड है, देख सकते हैं यहाँ बैठने के लिए काफ़ी सारे लोग होते हैं। और अगेन वन ऑफ द माई फेवरेट प्लेस आ गया यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए। बेसिक होता था यहाँ पे, जिस टाइम हम आते थे मॉर्निंग में तो यहाँ पे भी एक्सरसाइज करते थे हम लोग। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन के बाद आए हैं। तो चलिए छोटा वाला पार्क में जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। सुबह में तो यहाँ पे ज़्यादातर एक्सरसाइज करने वाले ही लोग आते हैं, बट आई थिंक शाम वगैरह में यहाँ पे काफ़ी कपल्स लोग भी आ जाते हैं। तो दोनों तरह का लोग होता है यहाँ पे, दोनों यूज होता है पार्क का। पार्क का तो जानते हैं क्या यूज होता है, उतना हम बता नहीं सकते भी कैमरा पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा बना हुआ है पार्क टाइप का, एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ट जगह है यहाँ पे। तो कुछ लोग स्टडी भी कर रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। और एक फाउंटेन बना हुआ है बीच में यहाँ पे, और इधर गेट है इसका। और अभी भी काफ़ी सारे अंकल लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो अभी भी उनको करना होता है वो करती है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सरसाइज करने का जगह है, यहाँ पे सुबह में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। और ये मेरा फेवरेट जगह था पुलअप पार्क, यहाँ पे एक्सरसाइज करते थे। और ये ग्राउंड था यहाँ पे, सुबह में काफ़ी भीड़ होती है एक्सरसाइज करने वालों की। और ये जगह काफ़ी खुला हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंट वगैरह भी सुबह सुबह लगाते हैं लड़के लोग। अभी कोई है नहीं क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, बट सुबह में काफ़ी यहाँ पे अंकल लोग आते हैं, जॉब करने वाले लोग आते हैं, तो काफ़ी डिस्कशन होता है। राजनीतिक मुद्दा भी बहुत सारा डिस्कशन होता है, तो सुबह का माहौल आई थिंक बहुत अच्छा रहता है। और शाम का तो फिर बात ही क्या है, शाम का तो बहुत ही रंगीन माहौल रहता है यहाँ का। यहाँ का क्या, पटना के हर एक पार्क का वही हाल होता है। और एज ए नेचर के फॉर्म में देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो यू कह सकते हैं बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलैक्स के लिए बहुत अच्छा जगह है यहाँ पे, क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक और भीड़ भाड़ के बीच में इतना सुंदर पार्क इतना अच्छा देखने में लग रहा है। क्योंकि अभी काफ़ी रंगीन भी देखने में लग रहा है, क्योंकि बहुत सारा कलर पेंट कर दिया, पेड़ वगैरह, रोड वगैरह, गमला सब बहुत कुछ चेंज हुआ है। फूल वगैरह भी अच्छा अच्छा नया नया वैरायटी का आ गया, बट उस टाइम उतना था नहीं, बट पहले भी बहुत अच्छा था और अभी और बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है यूँ कह सकते हैं आप। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब कोई, क्योंकि ये यूँ कह सकते हैं कि एक टाइम पे ये मेरा, ये जगह मेरे रूटीन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि सुबह उठ के यहाँ पे ही आते थे एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, मेडिटेशन वगैरह करने के लिए। तो यूँ कह सकते हैं बहुत ही अटैचमेंट हो गया था इस जगह से। और काफ़ी दिन के बाद फिर से दोबारा आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। और ये मेन गेट पे है यहाँ पे एक स्टैचू एसके सिंह जी का, आई डोंट नो किनका है, बट यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से सजाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं गमला वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फ्लावर्स वगैरह भी है। और एंट्री गेट है यहाँ पे, कह सकते हैं वेटिंग पॉइंट पे यहाँ पे बहुत, कोई भी आके किसी का अगर वेट वगैरह करता है या फिर जाने से पहले बैठ के वेट किया जाता है यहाँ पे। और एक छोटा सा अंदर गुलदस्ता टाइप का बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये था यहाँ का पार्क, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन के बाद आए हैं। और ये हमारा एग्जिट गेट, यहाँ पे गार्डन कल बैठे हुए हैं। सो थैंक यू गाइस, कैसा लगा बताइएगा।